चार धाम की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा 3 मई से शुरू हो जाएगी, तो वहीं 6 मई को केदारनाथ के कपाट दर्शन के लिए भी खुल जाएंगे। बद्रीनाथ को लेकर बताया गया है कि 8 मई से वहां भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच पाएंगे। सरकार के मुताबिक इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन यात्रा से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गया है। यात्रा मार्ग से लेकर दूसरी व्यवस्था यात्रा शुरू होने से पहले ठीक करने में प्रशासन ने ताकत झोंक दी है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने यात्रा की तैयारियों पर जानकारी देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग जारी है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर चारधाम यात्रा की तैयारी की जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस बार देश भर से यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए प्रशासन के पास तैयारी के लिए कम वक्त है। चारधाम यात्रा 2022 की तैयारियों के संदर्भ में पिछले 1.5-2 महीने से ही कार्य चल रहा है। उसमें सभी संबंधित विभाग अपने अपने स्तर से जो उनके विभाग से संबंधित कार्य है वो किए जा रहे हैं। उनसे स्तर से मुख्य सचिव महोदय द्वारा इसकी बैठक कर ली गई थी और उसमें काफ़ी डिटेलिंग करी हुई थी। जो हमारे पास सूचनाएँ आई हुई है जो ट्रैवल ट्रेड एजेंट से हमें प्राप्त हुई है, इस बार यात्रा बहुत ज़्यादा बुक हुई है। इसका मतलब हम लोगों को एक तो यात्रा थोड़ी देर से प्रारंभ हो रही है इसलिए, और मानसून तक जो है हमारी मेजॉरिटी यात्रा चलती है। इसका मतलब छोटे समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा यात्रियों को इस बार सुरक्षा के साथ यात्रा करवानी होगी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है जो पुलिस के प्रशासन के सामने जो है रहेगा इस बार। तो उसको देखते हुए अतिरिक्त जो भी उनको संसाधन चाहिए या सुविधाएं चाहिए, विभागों की सेवाएं चाहिए, इसके संदर्भ में हर किसी को निर्देश दिए गए हुए थे। रोड संदर्भ में जो कार्य हो रहे हैं एक्सेस रोड के, तो उसके बारे में जो बात हुई थी उसमें मुख्यतः जो है मेजर वर्क कोई भी यात्रा के मुख्य जब यात्रा चलती है उस दौरान न किए जाए, इसके बारे में डायरेक्शंस दिए गए हैं। समय जगह जगह पर यात्रा में जहां पर पोकलैंड जैसी भी लगने हैं उसके संदर्भ में उनका चिन्हीकरण करते हुए उसके संदर्भ में यात्रा के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। इस बार खास तौर पर सभी यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा जो टूरिज्म के पोर्टल पर करना होगा। साथ ही इस बार एक डिवाइस के जरिए फिजिकल रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा जिससे ये पता चल सके कि किस धाम में किस समय कितने लोग मौजूद हैं, जिसके बाद उनकी संख्या घटाने को लेकर स्थानीय प्रशासन विचार कर सकता है। तो वही केदारनाथ में हेली सेवाओं की भी कई बार शिकायत दर्ज की जाती है, इसी वजह से इस बार 70% टिकट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही बुक की जा रही हैं। 30% टिकट केदारनाथ वैली में बुकिंग के लिए छोड़ दी गई हैं, क्योंकि कई बार वहां पर मौसम बदलने और होली की दूसरी तकनीकी सेवाओं में खराबी के कारण 30% टिकट वैली की ही बुक की जा सकती है। देखिए इस बार जब यह माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इस विषय पर जब चर्चा की गई थी तो ये निर्णय लिया गया था कि इस बार जो यात्रा पे आएंगे हम सभी को सभी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर ले, तो उसके लिए वो पोर्टल जो है जो उस पे पोर्टल पर हमारे टूरिज्म के पोर्टल पर सभी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही में लगभग 200 फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बना दे रखी है। उसमें कियोस्क होंगे या फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस होंगे जिनके माध्यम से सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और बुकिंग जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। बुकिंग की 70% टिकट्स ऑनलाइन मिलती है जो इंडिया में कहीं से भी आप मतलब कहीं से भी आप उसको बुक करा सकते हैं। 30% बुकिंग जो है वो भी ऑनलाइन होती है लेकिन वो वैली में होती है, तो वहाँ पर जो है एक व्यवस्था बनाने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम को कहा गया है कि संबंधित लोकल प्रशासन के साथ एक व्यवस्था बनाते हुए उसकी खबरदारी देते हुए वो कर ले। और मुख्यतः काम रहता है BKTC का जो मंदिर और दर्शन प्रबंधन करना है उसके बारे में उनके द्वारा तैयारियां कर ली गई है, अवगत करा दिया गया है। रावल जी का ससमय आना, उनका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह ये कार्य भी हम लोगों को करा लेने हैं, तो ये सभी का ध्यान देखते हुए सभी को अवगत कराते गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसके उपरांत जो है तैयारी की बैठक ली गई थी और उनके द्वारा भी विविध डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए थे। कतिपय अधिकारियों द्वारा अभी चाहिए कि वो फील्ड पर जाए, स्वयं उसका निरीक्षण कर ले और संबंधित अधिकारियों को स्थानीय कर्मचारियों को इसके बारे में निर्देश दे।
आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिस पर कई काम यात्रा से पूर्व ही पूरे कर लिए जाएंगे। अभी इस समय बद्रीनाथ धाम के पुनः निर्माण का काम भी जारी है। बता दें कि इस बार केदारनाथ में बनी आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल समाधि की भी लोगों को दर्शन के लिए खोली जाएंगी, तो वहीं श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन की तैयारियों से लग रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।